कैसे आप दोनों? बहुत अच्छा। मैंने क्यों बताया, बताया क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या मैं कैसे मेमोराइज करते हैं इस सफर को? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म को शूट करते हुए 2 साल हो गए और प्रमोशंस मतलब हो गए, अब फिल्म रिलीज हो गई, सब हम दोनों मतलब पूरा टेंशन खत्म ऐसा हो गया। तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, हाउसफुल जा रहा है, जहाँ ने भी ट्वीट किया था, काफी टाइम हो गया। कब से मेरे पापा को मेरी कंप्लेन करती थी, क्योंकि इसके पापा बोलते हैं कि सेट पर तो तू ही है, सो जो भी ये शैतानी करेगा, खाना नहीं खाएगा, जो भी होगा मुझे बताना। सो हम कहीं पर भी जाते थे, चाहे प्रमोशंस के लिए शूट पर, तो जो भी इसकी कंप्लेंट्स होती थी मैं सबको जंकर को कॉल करके बता देती थी। मैं तो सब कुछ व्हाट्सएप से ही कर लेता, व्हाट्सएप से ही कर लेता है ये सब। एक क्लास का ग्रुप है ना एक्चुअली। ये पेरेंट्स को मालूम है कि आप व्हाट्सएप पे हैं? अच्छा, मेरा नहीं, इसका तो अब मालूम पड़ जाएगा कि आप भी व्हाट्सएप हैं। मैं व्हाट्सएप के ग्रुप का वाला, मेरे ऐसा दिमाग नहीं है, मैं मतलब मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ इसके जैसी, पर मैं मेरे सिलेबस होते हैं, मेरे सिलेबस के सारे बुक्स कंप्लीट कर लिए। हम वहाँ पर भी लेकर गए थे हमारे बुक्स, सक्रिश के डैड पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, सो वहाँ पर भी उन्होंने हमें बहुत पढ़ाया, और मैम ने और सर ने बोल ही दिया था कि तुम दोनों को वहाँ पर भी पढ़ाई करनी है, अपनी बुक्स लेकर जाने हैं, सो हमने वहाँ पर भी बहुत पढ़ाई की, पैकअप होने के बाद रोज़ करते थे। क्योंकि पढ़ाई के मामले में, गेम के मामले में, दोनों मामले में क्रिश चीटिंग करता है, और एक तो जो भी टेंशन आता है चाय चाय बुल कर देती है। कभी कभी ऐसा भी क्रिश तुमने किया कि शूट के दौरान पढ़ाई को आपने स्किप किया हो और मस्ती की हो और पढ़ाई ना की? और स्किप कब नहीं करता, हमेशा स्किप करता है काफ़ी बार। तो एक बार ऐसा हुआ था, इसके डैड ने मुझे बोला था कि इसका साइंस था या इंग्लिश, इसका ओरल ले लेना, और इसके डैड राउंड मारने बाहर गए थे, और फिर मैंने बोला अच्छा क्रिश चलो ये साइंस का, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे इसका आंसर बताना, परी मत लेना मेरा ओरल, मत लेना, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या बोलूँगा ये वो। सो मैंने बोला तेरे पापा को बोल दे, नहीं आता तो नहीं, नहीं पापा मुझे बहुत डांटेंगी, प्लीज़ मत बोलना, मत बोलना। सो इसको हमेशा मैं इसको बचाती थी, हमेशा बचाते भी हूँ। एक दिन आया, वो दिन आया, कंप्लेंट मैं करती थी खाने के मामले में, क्योंकि ये खाता नहीं था ज़्यादा, और ये एप्पी पीता था, पेपर बोट, जो कि चिल्ड होता था, पेपर बोट एप्पी 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 प्रमोशन में पेपर बोट पीता था। करती थी कभी कभार, अगर नहीं करती थी फिर भी कर लेता था। हाँ, 2000 साइंस इसके सेट पर, अगर किसी ने भी इसके चीक्स पुल किए, सो 2000 फाइन भरना पड़ता था। सो लेकिन मैं तो कोई 2000 फाइन नहीं भरती, मैं हमेशा इसके चीक्स पुल करती हूँ, क्योंकि तो करोड़ हो गया, करोड़ हो गया होगा मेरा स्कोर 2000 को अगर हम गिने तो। बेस्ट एक्सपीरियंस तो ये था कि हम राजस्थान में थे फर्स्ट टाइम, और इतना लंबा सफ़र हमने, पूरा शूट राजस्थान हुआ फॉर 1 month 7 days। सो वहाँ पर हम टोटली अफ्रीकन बन चुके थे, और काले कलूटे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स भी थे, कीड़े का नाम था बीरबा बुट्टी, जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया, काटा काटते नहीं थे लेकिन फिर भी हमें इरीटेट तो होता ही, क्योंकि काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसमें हमें स्टिफ बैठना है, सो वो यहाँ चढ़ते थे, यहाँ चढ़ते थे, और एक शॉट में तो मैं लेटर लिख रही हूँ, ये मेरा शॉट है, और ये पीछे सो रहा था, इसके पैर में चढ़ा धाम करके पैर से लात, और सर छोटू पैर मत हिलाना, छोटू पैर मत हिलाना, सर कीड़े चढ़ रहे हैं मैं क्या करूं, कैमरा मेरे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। पर एक आया, मैं ऐसे लेटा हूं, मारा दिया, वेल भी हो गया एक और हुआ था ना, उनके क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर, क्या कह रहे थे पता है, एक और सीन था, वो जादू करने वाला, हाँ पत्थर,
हाँ वो पत्थर वाले, तो तू हमारे धनक का स्क्रीनिंग हुआ जिसमें सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे फिल्म पर बैठे थे, और एक शॉट था जिसमें मेरे दुपट्टे पर कीड़े चल रहे हैं, और ये बोला मैं एकदम इमोशनल सीन था, मैं ऐसे देख रही हूँ फिल्म पर, ये बोला दिख दिख तेरे दुपट्टे पर कीड़े चल रहा है, बोले तू कीड़ों को देखना बंद कर, तू हमें देखना, वो जो भी हो रहा है सीन में वो एक्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, उसकी उसके साथ जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो क्रिश थोड़ा सा टेढ़ा है जलेबी जैसा। राजस्थान में ओ गॉड मैं तो सो गया था, ये सो गया था इतना, ये पिया क्या बोलते प्लेन में नहीं सोता, पार्टी में सोता उल्टा, मैंने बोला ना जलेबी पार्टी, फिर पार्टी से पहले सोया था लेकिन मैं और ये इतना ये पी रहा था, क्या पता था कोक पिया इसने, और हमने तो डांस किया पार्टी में, बहुत मजा आया, सब कुछ खा क्या था दाल बाटी राजस्थान की जो भी फेमस चूरमा वो सब कुछ हमने राजस्थान में हमें खाने को मिला, चूरमा भावे तने काफी सारी चीजें राजस्थानी हमें एंजॉय करने मिली। आपने पहले टीवी भी किया है, उसके बाद फिल्म भी की है, तो आगे का क्या कैसी जर्नी रहेगी, और भी फिल्म्स करेंगे या? हाँ मैं और फिल्म्स करना चाहती हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई भी कम्प्लीट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बड़े और एक्ट्रेस ही बनना चाहती हूँ, सो मुझे और फिल्म्स अगर मुझे ऑफर्स मिली काफ़ी सारी, और मैंने धनक के बाद एक और की भी, और मैं और करना चाहूँगी। पढ़ाई पूरी छोड़नी पड़े ऐसी अभी मैंने धनक के बाद मतलब प्रमोशन के बाद धनक के प्रमोशन के बाद ऐड की है, फिर इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है। लेकिन उसके डायलॉग्स का बिल्कुल भी चिंता नहीं है, सर हमेशा बोलते हैं कि तुम दोनों के डायलॉग्स चाहे कितने भी बड़े हो तुम लोग बोल देते हो, हम लोग काफी नाइट तक शूट किया, हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म मैंने उसका ऑडिशन हमने कुछ नहीं दिया था। कोई भी प्रोजेक्ट चालू होने से पहले हम उसकी वर्कशॉप्स करते हैं या कुछ स्क्रिप्ट भी मिलती है हमें, लेकिन वहाँ पर तो हम लोग प्रमोशंस में बिजी थे, मुझे स्क्रिप्ट तो मिली थी बोला कि लेकिन कृष्ण तो वो नहीं मिला तो करना है, मैंने हाँ बोला मिला, तो मुझे मैंने देखा इतने लंबे डायलॉग, समझ सकते हो आप कितने लंबे डायलॉग्स थे, जैसे सीन दिया रेडी हुआ दिया सीन दिया स्क्रिप्ट मिली रेडी हुआ गया सीन दिया, हम लोगों का वैसा ही था हाल, सीन दिया वापस फंबल तो हुए होंगे बीच में। कभी कभी कृष्ण आपने ऐसा भी किया कि आप अपने मन से डायलॉग बोल रहे हैं, लिखा कुछ और है, बोल कुछ और है, ऐसा कुछ हुआ कुछ इम्प्रोवाइजेशन? हाँ इम्प्रोवाइजेशंस तो होते ही हैं, सर बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मीनिंग से होना चाहिए, लेकिन जो लाइंस में तुम लोग कंफर्टेबल हो वो बोलो, लेकिन हमने पूरा ट्राई किया कि जो कुछ भी स्क्रिप्ट में, बाकी इम्प्रोवाइजेशन तो खुद से ही हो जाता है। जो कि आपके फ्रेंड्स हैं और ये तो जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? अभी तो सब लोग छोटू-छोटू बुला रहे हैं, हमें परी-परी बुला रहे हैं, मैं क्या करूं, ये क्या करें, मैं क्या करूं, हाँ परी-परी छोटू-छोटू, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्हें भी फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, और काफी लोग तो कंफ्यूज हैं कि तुम लोग सचमुच भाई बहन हो, हम लोग भाई बहन नहीं है, तू क्या है कृष छाबरिया, मैं क्या हूँ हेतल गड्ढा, तो हम लोग कैसे हो सकता है, कुछ लोग एक्चुअली हमारे जितने भी हम प्रमोशंस के लिए जाते हैं सो नागेश सर जाते हैं इलाही गणेश नेटवर्क, तो हम लोगों के नाम में थोड़ा थोड़ा लोग वैसे हो जाते हैं, सो काफ़ी जगह गए हम, जितने भी लोग प्रमोशन के लिए गए सबके, इसका नाम है क्रिश छाबरिया, सो इसका नाम लिखते हैं तो इसके नाम में KRISH लगाते हैं, जबकि इसका स्पेलिंग है KRRISH, ये हमेशा क्रिश नोट करता है कि मेरे नाम में डबल आर ही लगना चाहिए वरना ओके। फिर हेतल गाड़ा बोलते हैं, गाड़ा कोई नहीं बोलता, आपको इस गाड़ा नेम याद रखना है तो तारक मेहता देखो जेतलाल गाड़ा देख, और लड़ाइयाँ तो बहुत भाई बहन नहीं है तभी होती है,
बहुत करते हैं। इसके डैड को मैं जो चुगली करती हूँ, ये क्रिश को इतना गुस्सा आता है कि इसको पिस्तौल से उड़ा दूँ। वैसा वैसा वाला नहीं, लेकिन हम शाहरुख सलमान सर के बारे में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। शाहरुख इस वैसे, सलमान इस वैसे, शाहरुख वैसे। बाकी लेकिन ये वाला इरिटेट नहीं लगता, मज़ा आती है, क्योंकि मेरा तो कोई भाई बहन नहीं है। सो जो भी है, मेरा धनक के वक्त मुझे पता चला, धनक के पहले मुझे ऐसा लगता था मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई बहन नहीं है, कोई सिबलिंग नहीं है। मेरे पास धनक के बाद मुझे लगता है कि थैंक गॉड मेरा कोई भाई बहन नहीं है, क्योंकि इसे ही संभालना मेरे लिए इतना भारी हो चुका है। क्योंकि सर ने बोला था कि चाहे तुम लोग सीन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, तुम्हें एक दूसरे का ध्यान रखना है, जो कि मुझे कोई भी इसके साथ उसके इसका ध्यान रखना ही पड़ता, क्योंकि क्रिश एक जगह पर नहीं बैठ सकता। गॉड ने बोला ना, इतना परेशान किया है दिल ने तुम्हें। ये तो बस मेरे डैड को बहुत चुकी करती हूँ, दैट्स इट, और मैं कुछ नहीं करती। इस स्कूल में आप लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है, तो हाँ ट्रैवल करना पसंद करते हैं? हाँ, मुझे ट्रैवल करना मुझे सच में बहुत पसंद है, नई नई जगह जाना, वहाँ के लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, वहाँ का एक्सपीरियंस करना मुझे बहुत पसंद है। और हम तो राजस्थान में 42 विलेजेस में हमने शूट किया 1 month 7 days में, और जो जोधपुर और जैसलमेर के बीच में जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पर हमने शूट किया 42। सो बहुत मजा आया। तो कभी कृष्णा ने नागेश्वर को ये बोला कि सर एक बार वहाँ भी शूट कर दो, वो एक अच्छी जगह है, घूम के आ चुका हूँ, पापा मुझे ले गए थे बचपन में, ऐसा कुछ बोला है? मैं तो राजस्थान फर्स्ट टाइम गई थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। और वहाँ की गर्मी तो इतनी, क्योंकि हम समर सीजन गए थे तो वो तो और भी भारी था, मई में ठीक है, तो वो तो और भी भारी पड़ चुका था हमारे लिए। एक्चुअली जून या जुलाई में हम डैड के साथ थे, मेरी नानी आई थी और क्रिश के डैड, इसलिए चुगली करती थी, इसलिए मैं चुगली करती हूँ। पर्सनल लाइफ से तो काफ़ी अलग है, स्कूल जाना वही, और अभी योगा करना, एक्सरसाइज करना रोज। मैं हाँ, क्योंकि मुझे बड़े होकर एक्ट्रेस ही बनना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी से ठीक रहूँ। ऑन सेट नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था। अभी मैं सब कुछ, क्योंकि स्कूल सुबह की है इसलिए मैं शाम को 5 बजे जाती हूँ, गार्डन वॉक करती हूँ, मतलब स्विमिंग काफ़ी सारी चीज़ें। ये तो स्विमिंग का, हमने वहाँ पर भी इतनी स्विमिंग की थी राजस्थान में भी, हमारे होटल में सुबह हमें टाइम मिला। सो होटल में स्विमिंग पूल था क्या? स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर किसने स्विमिंग किया था जब तेरे डैड ने तुझे डांटा था? क्रिश की एक्चुअली थोड़ी सी मेमोरी लॉस्ट हो रही है, थैंक यू। अरे हाँ हाँ, सो और सिमिलर ये है हमारे कैरेक्टर से कि मैं भी शाहरुख सर की फ़ैन हूँ, ये भी सलमान सर का फ़ैन है, और ये उतना ही नॉटी है जितना फिल्म में दिखाया है, नॉटी उतना ही है, और मैं उतनी केयरिंग हूँ जितनी मैं फिल्म में दिखाई हूँ, और उतनी डिसिप्लिन हूँ जितनी मैं फिल्म में दिखाई हूँ। यस, थैंक यू सो मच जो आपने टाइम निकाला और आप फिल्म देखने गए, एंड आई होप कि आपको फिल्म भी अच्छी लगी। जून को रिलीज हो गई थी, पर आप अभी भी देख सकते हो, देख सकते हो। और जिन्होंने नहीं देखी उस फिल्म को क्या कहेंगे? वही फिल्म 17 जून को रिलीज हुई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, बहुत मजा आएगा। और आपको एंट्स, मतलब इंसेक्ट्स थे, एंट्स देखने मिलेंगे राजस्थान के। कीड़ा नहीं था, एंट था। ओके ओके, थैंक यू।